Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. RJ Anmol ki Anmol Kahaniyan. Kishore Kumar, Lata Mangeshkar. Do aise naam jinke bagair kai radio stations ka koi wajood hi na ho. Do aise naam jinke bagair Hindi cinema mein romance ka koi wajood hi na ho. Lata ji, jinhone Kishorda ke saath सबसे पहला गाना गाया था 1948 में और उसके बाद ये सिंगिंग जोड़ी ऐसी शुरुआत हुई कि फिर रुकने का नाम नहीं लिया। जहां एक तरफ किशोरदा एज अ प्लेबैक सिंगर अपनी जगह पुख्ता बना चुके थे, वहीं स्टेज पे गाने में उन्हें हमेशा दिक्कत आती थी, घबराते थे। एक फंड रेजिंग स्टेज शो था प्लेबैक सिंगर्स की एसोसिएशन का, जिसमें सारे सिंगर्स का मौजूद रहना जरूरी था। अच्छा, इसी एसोसिएशन में तलत महमूद साहब भी थे और उन्हें पता था कि किशोर जो है उन्हें स्टेज फियर है और हो सकता है वो शो के दिन आए ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, किशोर कुमार को पिकअप करने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ। शो का दिन आया, तलत महमूद किशोर कुमार को लेने उनके घर पहुंचे और वहां देखा कि किशोर कुमार ने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया है। रूम के बाहर से तलत महमूद बोले, किशोर दा दरवाजा खोलिए, एसोसिएशन वाले बड़े नाराज होंगे। किशोर नहीं है, बाहर गए वो तो। किशोर मजाक छोड़िए, दरवाजा खोलिए, लेट हो रहा है। ये थे हमारे किशोर दा, उनका स्टेज फियर। इनफैक्ट 1970 में फाइनली ये स्टेज फियर उनका बाहर निकाला सुनील दत्त साहब ने, जब फौजियों का एक शो था वहां पे बड़े जोर जबरदस्ती से उन्हें लेके गए और फिर वो पड़ोसन वाला पूरा सीक्वेंस किया और किशोर दा ने स्टेज पे गाना शुरू, बस कह सकते हैं कि वहीं से कहीं किया। और किशोर दा ने वहां से जो शुरुआत पकड़ी तो फिर उसके बाद स्टेज पे आग लगा दी। तो साहब देखा जाए तो कहानी तो शुरू होती है अब 1980 की बात है। किशोर कुमार, लता मंगेशकर एक स्टेज शो के सिलसिले में गए टोरंटो। हालांकि किशोर दा के डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया था, आप अपने आप को एक्सर्ट मत कीजिए, आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी लता जी की रिक्वेस्ट पर किशोर दा ने इस ट्रूप को ज्वाइन किया था। दरअसल लता जी ने जब किशोर दा को बंबई के एक चैरिटी शो में गाने के लिए इनवाइट किया था, तब उन्होंने किशोर दा का खूब ख्याल रखा, उन्हें खूब पैम्पर किया। तो बस उनके इसी बर्ताव को देखते हुए किशोर दा ने टोरंटो के इस टूर के लिए हाँ कर दी। सारे अखबारों में, मीडिया में इस कॉन्सर्ट की चर्चा थी, हर जगह यही बात थी, द लता किशोर नाइट, बस इसी के चर्चे हो रहे थे। ये एक बड़ी रात होने वाली थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर और हिंदी सिनेमा के फैंस के लिए। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था, लता और किशोर परफॉर्म करने वाले थे और उस घड़ी को बस अब कुछ ही मिनट बचे थे। टोरंटो का वो स्टेज सेट था, सामने हजारों की भीड़ इंतजार कर रही थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर का। किशोर दा ने स्टेज पे काफी सारे गाने गाए, सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि किशोर दा ने अपने अंदाज में मिमिक्री भी की, खूब चुटकुले भी सुनाए, सबका भाई साहब दिल जीत लिया। तो साहब टोरंटो की वो रात सुपर हिट शो रहा, किशोर दा ने सबका क्या दिल लगाया। खैर साहब, शो के बाद अगले दिन सुबह जब किशोर कुमार उठे तो होटल रूम में सारे के सारे अखबार देखना शुरू किए। टोरंटो की मीडिया ने अखबारों में कुछ ऐसी चीजें छाप दी कि किशोर कुमार डिस्टर्ब रहने लगे। लता जी के सेक्रेटरी ने एक प्रेस रिलीज छपाई थी और उसके मुताबिक किशोर कुमार का कहीं पर भी जिक्र नहीं था। टोरंटो के बड़े से बड़े न्यूज़पेपर, द टोरंटो सन, द ग्लोब, द मेल, सब में कॉन्सर्ट की डिटेल्स तो दी गई थी मगर इन डिटेल्स में नाम था सिर्फ लता मंगेशकर का। बातें थी लता जी की अचीवमेंट्स के बारे में, कनेडियन प्रेस ने किशोर दा का जिक्र भी नहीं किया, किशोर दा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इन अखबारों को पढ़ के किशोर दा ने अपनी टीम को अपने रूम में बुलाया और जैसे उन्हें अपनी खुद की शख्सियत पे एक शक सा होने लगा। किशोर दा ने सबसे पूछा कि क्या सही में इतना फर्क है कि मेरे बारे में बात तक ना की जाए। किशोर दा हताश हो गए, उनका दिल टूट गया। खैर साहब, वो किशोर कुमार थे। देखिए साहब, यही थी आज की कहानी, टोरंटो का वो शो जहां पर मीडिया ने थोड़ी सी ज्यादती कर दी हमारे किशोर दा के साथ।